हेलो गाइस, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आई होप सो आप बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। सबसे पहले ब्लॉग ना अपलोड होने के लिए सॉरी, आई एम सो सॉरी। और आज है शिवरात्रि, सो मैं जा रही हूँ अपने लड्डू गोपाल जी को स्नान कराने। और आज पहनाऊंगी मैं लड्डू गोपाल जी को पिंक कलर की ड्रेस। सो आज मेरे लड्डू गोपाल जी देखते हैं कितने प्यारे लगने वाले। सो आज हम लड्डू गोपाल जी को करेंगे अच्छा सा मेकअप। काफ़ी दिनों से मेकअप नहीं हुआ है इनका। और लड्डू गोपाल जी को हमने देखो ये वाली ड्रेस पहनाई है, इनकी पिंक वाली ड्रेस। ये मेरे को बहुत अच्छी लगती है, इसमें लड्डू गोपाल जी बहुत प्यारे लगते हैं। सो ये हमने घर पे ही बनाई थी। तो यहाँ पे दीदी और मैं दोनों मिलके कर रहे थे, नंद भाभी दोनों मिलके आनू कानू को तैयार कर रहे थे। सो यहाँ पे लड्डू गोपाल जी को बनाया था दीदी ने ये रेड वाला चोकर। सो यहाँ पे हमने लड्डू गोपाल जी को बनाए हैं, उनके पहले बनाए थे पर्पल कलर की बैंगल्स, लेकिन वो मेरे को अच्छे नहीं लग रहे थे। मैंने बोला ये ड्रेस में मैच नहीं कर रहे। फिर हमने अपने लड्डू गोपाल जी को ड्रेस से मैचिंग करते हुए पिंक कलर के बैंगल्स पहना दिए थे। और फिर यहाँ पे हमने लड्डू गोपाल जी को पहनाए बाल, और बाल पहनाने के बाद लगाया हमने चंदन तिलक। और फिर यहाँ पे हमारे लड्डू गोपाल जी हो चुके तैयार। उसके बाद किया हमने यहाँ पे शालिग्राम भगवान जी का मेकअप। सो हमारे आजकल वैसे तो रेडीमेड शालिग्राम का मेकअप आ रहा है मार्केट में बना हुआ, आप या फिर करा भी सकते हो शालिग्राम भगवान जी का मेकअप। लेकिन हमारे लड्डू गोपाल जी मैं मथुरा से लेके आई थी, तो मैंने मेरे को यही वाले मिले थे वहाँ पर। बाकी मैंने दूसरी जगह पे देख लिए थे, पर बाद में देखे थे, तो मैं मेकअप बारे नहीं लेके आ पाई। इसलिए हमने यहाँ पे लड्डू गोपाल जी को सॉरी शालिग्राम भगवान जी को ज्वेलरी पहनाई थी। सो हमने यहाँ पे चंदन से शालिग्राम भगवान जी की आइस बनाने की कोशिश की और बन भी गई। ज़्यादा अच्छे से नहीं बन पाई, लेकिन फिर भी अच्छी बन गई थी, अच्छी लग रहे थे पग, बहुत ज़्यादा ही प्यारे लग रहे थे लड्डू को मतलब शालिग्राम भगवान जी। सो यहाँ पे हमने लड्डू गोपाल जी की आइस और वगैरह सब बना दिया। और उसके बाद ये चैन हमने ग्लूकोन से दवा चुका दी थी यहाँ पे। और फिर लगाया हमने अपने लड्डू गोपाल जी को चंदन तिलक। सो यहाँ पे हमारा मेकअप हुआ कंप्लीट लड्डू गोपाल जी का और शालिग्राम भगवान जी का, दोनों का ही।
सब कैसे लग रहे हैं प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और अब कर देंगे हम अपने शालिग्राम भगवान जी को उनके स्थान पर विराजमान, और लड्डू गोपाल जी को भी उनके स्थान पर विराजमान कर देंगे। सो मैं अभी आपको दिखाऊंगी लड्डू गोपाल जी का फुल मेकअप। तो ये देखो मेरे लड्डू गोपाल जी लग रहे थे कुछ इस तरीके से, बहुत प्यारे लग रहे थे, मुझे तो बहुत ज़्यादा ही प्यारे लग रहे थे। आपको कैसे लग रहे प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और मुझे तो इतने प्यारे लग रहे हैं कसम से कि नज़र ना लग जाए लड्डू गोपाल जी को मेरे। तो यहाँ पे हमारे लड्डू गोपाल जी का और शालिग्राम भगवान जी का मेकअप अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ एक लाइक कमेंट जरूर कर देना, राधे राधे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख देना। सो मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आई होप सो आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी और अच्छी लगेगी, और इस वीडियो को आप बहुत सारा प्यार दोगे। सो फिर मैंने यहाँ पे लगाया लड्डू गोपाल जी को ऑरेंज कमलन फल का भोग दिन में। बाकी यहाँ पे मैंने गाय के लिए रख दिया पानी, और गाय ने शालिग्राम भगवान जी के लिए भी रख दिया। सो ये है मेरे मंदिर का पूरा लुक। कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना।